मेरा आधा सामान गायब है। दी के आधे ब्रांडेड बैग्स बॉक्स के साथ ही गायब हो गए। क्या हाल है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा हो रहा है आप सबके जगह का अलग अलग वेदर। मुंबई में बारिश अब रुक चुकी है बट यार हवा वगैरह बहुत अच्छी चल रही है तो उस हिसाब से बहुत अच्छा वेदर है। तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ ऐसा कि मैं जाती हूँ दी के यहाँ एंड आकाश को थोड़ा सा काम है तो एज यूजुअल ही इज वेरी बिजी। तो वो अपने काम में मीटिंग्स वगैरह में बिजी है, हेयर इश्यू है एंड शायद मैं गोगो को भी साथ में ले जाऊँ क्योंकि दी गोगो को बहुत मिस कर रही है एंड गोगो यहाँ अकेला करेगा भी क्या, इसलिए मैं सोच रही हूँ गोगो और मैं जाते हैं दी के यहाँ। तो चलो चलते हैं, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। सो आई एम रेडी, मैंने कर लिया बाल टाई क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है खुलने वालों में। जैसे ऑटो चलते हैं। टी में शुरू हो गई है डेकोरेशन तो अभी तो मैं गोगो को साथ नहीं जा पाई क्योंकि आकाश बोले कि कैसे जाएगा, नहीं जाएगा जा पाएगा, परेशान हो जाऊंगी इसको नहीं जाके। तो शायद शाम में वो आएंगे तो गोगो को साथ में लेके आएंगे। तो मैं आ गई हूँ दी की सोसाइटी। ओह माय गॉड, शिफ्टिंग चल रहा है, देखिए पहला पहला। हेलो रिशु, नमस्ते। एंड ये है दीदी सोसाइटी का व्यू। उधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी बचा हुआ है। ये देखो दी ने नया शॉपिंग मॉल खोला है। दी इतनी कलेक्शन, मेरा आधा सामान गायब है। दी के आधे ब्रांडेड बैग्स बॉक्स के साथ ही गायब हो गए हैं। ये सच में बहुत ही दुखद घटना हुई है आपके साथ। दिल बैठ रहा है मेरा। ये लड़कियों के लिए सच में बहुत ही बड़ा सदमा है कि आप इतनी मेहनत से कोई अच्छा बैग लो और वो चोरी हो जाए। मुझसे बहुत सारा सामान है फुटवेयर ने, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है मॉल ही वही घूम रही हूँ जैसे। सीरियसली गाइस, जिस स्पीड से मेरे फुटवेयर्स बढ़ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सालों में यही हाल होगा मेरा भी। मुझे लड़कियों का ना यही होता है, उनका इतना सामान हो जाता है कि फिर रूम भी कम पड़ने लग जाता है हम लोगों के लिए। हेलो क्या हाल है। हाँ हम पहले ही आ गए, हमने सोचा गेट खोल दे। हेलो आंटी, कैसे आप लोग। चलो घूमी घूमी कह रहे, ये दीदा का गुड़ थोड़ी है। हाँ ये ऐसा कहाँ से कर रहे हो। चले आज इधर इधर देख ले, देख ले, देख ले। हेलो राजा तो भूल गया मुझे एक दिन में, मुझे लग रहा है। अच्छा झूलोगी। तो हम लोग आए हैं दी के गार्डन में। कितना अच्छा परफ्यूम हमेशा रहता है। अरे माँ का परफ्यूम मिल गया। नाम पहली बार सुना है। कितना तेज है, सबसे बड़े वाली सीट पर बैठा जाके। वाओ, लोग आज फिर करने के लिए आ गया। दी तो कुछ ना होती तो कुछ। चलो मेडिसिन लो राजा, मेडिसिन लो। यहाँ पे नहाते रखने की तैयारी हो रही है विवेक के कान पे। दशहरे पे रखते हैं जो, और दी ने यूज किया लिपस्टिक का। पिंक लिपस्टिक से तिलक लगेगा आज तो। पूरे नवरात्रि ले ले वहां से, उधर को उधर से बनाएंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। त्योहार बन रहा है। क्या लगा रही है, ओम नमः शिवाय क्या लगा रही है। हां सही तो है, भगवान का नाम लिया दो, एक कान पे दो। अब इसके बाद शगुन भी देना पड़ेगा। हाँ। यार ये मेरा भाई मेरे लिए शगुन नहीं, शकुनी 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 है और शगुन ही है, ये मेरा गुड लक है। शकुनी तो इसके बच्चों के लिए बनेगा। एक किस्मत की फोटो खींची जाए। हाँ ये हमारा कल्चर यार, फेस्टिवल सेलिब्रेट हो गया अलग तरीके से, घास लगा के कान पे। नोरते नोरते जुगाड़ू नोरते। लेकिन उसमें भी ना एक चीज है, वो भी घास की होते हैं मम्मी। हाँ हाँ, दुबड़ा ही तो होता है। जो जो मैं मंकी हूँ,
रुको राजा, ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक? हाँ, नहीं कोल्ड ड्रिंक है, बोलो ये मेरी मेडिसिन है। टेस्टी है, अच्छी लगी आंटी, बहुत अच्छी, बढ़िया बन रही है। चीनी ठोक के एकदम चीनी ठोक के एकदम बैठ जाओ। हम मेरे बिल्कुल लेफ्ट में सेकंड फ्लोर पे ऑफिस बना रहे हैं किसी कंपनी में। अच्छा, तो वो टोटल हमें देख रहे हैं और मुझे अब इतनी हंसी सी आएगी जब से हमारे चीनी पार्टी चल रही है। साड़ी लहंगा दोनों भाई, दिन में लहंगा, दिन में लहंगा, रात को साड़ी। नहीं, आपका फर्स्ट आप तो पहनना, मैं तो सूट पहनूंगी। अरे मैं सोच रही हूँ ब्राइडल लहंगा कैसे संभलेगा यार, इतना भारी लहंगा मंगा अपना। की सोसाइटी आपको सुंदर लग रही है ना, लाइट्स लाइट्स जल के एकदम अच्छा हो जाता है। हम लोग जा रहे हैं हम दूसरी साइड, इतनी बड़ी सोसाइटी है ये खत्म ही नहीं होती है यार। ये भी एरिया बहुत सुंदर है ना बैठने के लिए अपना। हाँ, ये पिच बना रखी है, पिच बना रखी है प्रॉपर, ज्यादा नहीं छोटा मोटा। अब हाँ, थोड़ा बहुत खेलने के लिए सामने चलते हैं, चेस बोर्ड पे चलते हैं। चलो यही बैठोगे? कल चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कहाँ, क्या सरप्राइज है उसे बता दो तो थोड़ा सा। अबे कैसे बताऊँ क्या सरप्राइज है, कल ही पता चलेगा। ओके, कितनी खुशी, साइकोलॉजी समझा आपकी बात, ये हो गए। राजा ने यूवी को देख लिया, अब इतनी खुशी जहन नहीं हो रही उससे। आपको क्या बोल रहे हैं, फोटोशूट? अच्छा, आप इस तरफ और यहाँ चल रहा है गेम, जो भी नहीं आता है खेल, चेस का गेम चल रहा है। सीरियसली मुझे भी नहीं आता। विवेक सच में खेलना आता है या फिर ऐसे ही? वाह, फिर तो सही है, मुझे नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। मुझे पता, मुझे मेरे भाई ने सिखाया था खेलना बट मैं भूल गई। फुल कॉन्फिडेंस में है कि गेम जीतने वाला है, लेट्स सी। फंस गया भाई, फंस गया। आंटी एक्साइटेड है रावण देखने के लिए। कभी छोटी सी ने देखा तो रावण आज देखी। अच्छा, हाँ कभी देखा, मैंने भी देखा, छोटी ने देखा, कभी नहीं देखा, छोटी ने देखा था। वाह, मैंने तो कभी अपनी शादी से, दिल्ली साइड तो आंटी इतने होते हैं, कोई भी बड़ा पार्क हो वहाँ रामलीला हो रही है, हर जगह कहीं जाके खड़े हो जाओ। विनिंग मोमेंट, समझ से बाहर है ये गेम, नो कमेंट। मुझे भी समझ नहीं आता बट अभी थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ, जैसे चल रहा है ना उस हिसाब से मुझे बिल्कुल नहीं आता। तुम हमारे मतलब का काम बताओ, रील बताओ हमें कोई ट्रेंडिंग। चलो विनिंग मोमेंट दिखा दो भाई। शुभांशु तू खुआ में रुक जा बेटा, शुभांशु रूल दिखाने आया है। टेन बेटा, एक बार में दो कदम चल सके। अच्छा तू दिल से बता, राजा एक चाल चले दो, इमरजेंसी के इमरजेंसी क्या होता है, जब उसमें खतरा आवे वो दो चाल चले। मैं कह रहा जब भी, अब देखो, अब सुनो, फिर अब सुनो सुनो, मान लो ये यहाँ है, इसके इसके हिसाब से देखिए, इसे तो आ गई इमरजेंसी, इसके हिसाब से, शुभांशु के हिसाब से तो ये दो कदम, सुनो सुनो, ये दो कदम यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। मैं तो मारूंगा ना, तो बेटा वही तो बात है, फिर तो राजा कभी भी नहीं फंसेगा। हाँ, एक बार ही चलेगा, ये बात तो है। चेक एंड मेट आने से पहले, चेक एंड मेट आने से क्या पहले? अरे चेक तो आ गया था ना, अरे इमरजेंसी तो अभी आई है पहले, क्योंकि इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी आ गई। कितना सुंदर आ रहा है दोनों, सीरियसली ना कितना सुंदर लग रहा है पूल। इसके अंदर बैठ के देखो, विवेक पूल एक बार मार दो, ढाई एक बार मार दो, सुंदर लग रहा है बहुत। लाइट कितनी प्यारी है, ये हारने के बाद का है क्या, तो कूदना है। फाइनली मस्ती हो गई खत्म एंड मैं हो गई हूँ लेट घर के लिए। सो अब बस मैं जा रही हूँ घर,
दी लोगों का प्लान था, उन लोग कहीं और जा रहे थे, तो अभी मैं घर जा रही हूँ। जगह चल रहा है फैक्ट्री, लाइटिंग ही लाइटिंग। प्यार दे रहे हैं एंड पसंद कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स को, थैंक यू सो मच। एंड यस, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी वीडियो के साथ। आई थिंक कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइज मैं लेके आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। एंड ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल वंस अगेन। अब तो पूरा फेस्टिव सीजन है, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी या।